दोस्तों, जियो, एयरटेल, वीआई इन तीनों कंपनी का रिचार्ज प्लान जब से हाइक हुआ है तब से ज़्यादा लोग बीएसएनएल को सपोर्ट करने लगे, बीएसएनएल को अपनाने लगे। तो बहुत सारे लोग जियो, एयरटेल, वीआई को छोड़कर बीएसएनएल पे आ चुके हैं, बीएसएनएल का 4G लॉन्च का इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे एरिया है जहां पर 4G लॉन्च भी हो चुका है, बहुत सारे ऐसे एरिया भी है जहां पर लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर 4G लॉन्च हो चुका है वहाँ के बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि BSNL का 4G यहाँ पर चल ही नहीं रहा है। ठीक है, BSNL का 4G क्यों नहीं चल रहा है उसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाया था। दो वीडियो में अलग अलग दो कारण के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि BSNL का 4G अगर आपके एरिया पर नहीं चल रहा है तो एक तरह से आपको अभी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों BSNL का जो 4G है उस 4G को स्प्रेड करने के लिए है 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड को यूज़ किया गया है। लेकिन उसी 4G को यूज़ करने के लिए और ये जो 4G लॉन्च हो रहा है इंडिजिनियस वे से, उस 4G को एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का भी यूज़ किया जा रहा है। तो लगभग कुल मिलाकर BSNL 4G एंड 5G लॉन्च करने में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये दो बैंड यूज़ किया जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो कि पुराने फ़ोन यूज़ कर रहे थे उन लोगों को पुराने फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम अपडेट या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट, एक्चुअल में पुराने फ़ोन को फेंक देना पड़ेगा, नहीं तो किसी को दे देना पड़ेगा, नहीं तो बेच देना पड़ेगा और न्यू स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। यस दोस्तों, न्यू स्मार्टफोन अगर आप नहीं लेंगे तो आपका BSNL का 4G नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपका 4-5 साल पुराना फ़ोन होगा तो उसमें 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड भी शायद सपोर्ट नहीं करता होगा और 700 मेगाहर्ट्ज तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका फ़ोन 2-3 साल पुराना है तो शायद आपका फ़ोन में 4G चल जाएगा कभी कभार और थोड़ा स्पीड स्लो आएगा। लेकिन अगर आप न्यू फ़ोन लेते हैं, न्यू फ़ोन में आपका बैंड ज़्यादा मिलेगा और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये दो बैंड सपोर्ट करेगा। ठीक है, दो सपोर्ट करेगा। अगर आप 5G स्मार्टफोन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 4G स्मार्टफोन अगर आपके पास है और वो भी 3-4 साल पुराना है तो आपके फ़ोन पर शायद BSNL का 4G नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि BSNL 4G को इस तरह से लॉन्च कर रहा है उसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से 5G में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए BSNL ने 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये दो बैंड को यूज़ किया है और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट नहीं करता है पुराने फ़ोन में। तो इसीलिए आपको शायद पैसा खर्चा करना पड़ेगा, आपको न्यू स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, नहीं तो 5G स्मार्टफोन आपको लेना ही पड़ेगा। 5G स्मार्टफोन अगर ले लेते हैं तो आपके पास आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जो 4G है वो ज़रूर चलेगा। ठीक है, BSNL की तरफ से भी 4G बढ़िया चलेगा और BSNL का जो 5G है वो भी दिवाली के टाइम पे लॉन्च हो जाएगा। अगले साल के 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारी जगह के अंदर BSNL का 5G देखने को मिल जाएगा। तो BSNL का 5G भी आप यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और उसके साथ अगर आपके पास जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, तो आप फ्री में 5G अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आपके पास 4-5 साल पुराना स्मार्टफोन है तो उसमें आपका BSNL का 4G उतने अच्छे से नहीं चलेगा। अगर आपके पास 2-2.5 साल पुराना फ़ोन है तो उसमें आपका 4G सपोर्ट करेगा, उसमें स्पीड कम आ सकता है। अगर आप न्यू स्मार्टफोन लेंगे तो बढ़िया तरीके से आपका जो काम है वो चलेगा। और उसके साथ अगर आप 5G स्मार्टफोन ले लेते हैं तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। हर सुबह के 11 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।